मूवी के स्टार्ट में स्पेस से एक रेडिएशन आई है और उस रेडिएशन की वजह से जो लोग मर चुके थे वो दोबारा से जिंदा हो गए हैं मगर ज़ॉम्बी बनकर। ये सभी ज़ॉम्बीज़ लोगों को मारने लगे थे, उन पर अटैक करने लगे थे, उनका गोश्त खाने लगे थे और इसी तरह ज़ॉम्बी वॉर छिड़ गई। और अब एक कंपनी ने ये डिस्कवर किया कि ज़ॉम्बीज़ के ब्रेन पर अटैक कर ये जंग को जीता जा सकता है। सभी टाउन्स के इर्द गिर्द फैंस को लगा दिया गया था और सभी ज़ॉम्बीज़ को एक जगह पर इकट्ठा किया गया था, मगर इसके बावजूद भी खतरा अभी तक नहीं टला था क्योंकि टाउन में जो भी आदमी मर जाता था वो ज़ॉम्बी बन जाता था और जिंदा होकर वापिस आ जाता था। मगर इसके बाद इसी कंपनी ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने एक कॉलर बनाया जो ज़ॉम्बी के गले में डाला जा सकता था। इस कॉलर में मौजूद बटन दबाने से रेड लाइट ऑन होती थी। उस लाइट के ऑन होते ही ज़ॉम्बीज को ऐसा लगता था कि उन्होंने इंसानों का गोश्त खा लिया है और अब लोगों को पालतू जानवरों की तरह एक जानवर मिल जाता है और उसका नाम होता है ज़ॉम्बी। उससे कोई भी काम करवाओ तो वो करेगा, मगर अगर उसी कॉलर की रेड लाइट बंद हो जाए तो ये दोबारा से खतरनाक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमें एक क्लास दिखाई जाती है जहां पर हम सब बच्चों को देखते हैं जो इसी मूवी को देख रहे थे जो हमने अभी देखी। टीचर बच्चों को कंपनी के नए हेड से भी मिलवाती है। इस कंपनी का हेड ऑफ सिक्योरिटी है। हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम है टिमी। टिमी हमेशा क्लास में अकेला रहता था, उसका कोई दोस्त भी नहीं था। क्लास में बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जा रही थी कि इन केस अगर ज़ॉम्बीज दोबारा से अटैक कर दें तो उन ज़ॉम्बीज से कैसे बचा जाएगा। टिमी के फैमिली में उसके मदर और फादर हैं। मदर उसके फादर को एक ज़ॉम्बी गिफ्ट करती है जो अब इनके घर में मेड का काम करेगा। टिमी के फादर को तो ये सरप्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो ज़ॉम्बीज से डरते थे, मगर किसी न किसी तरह टिमी की मदर उसके फादर को मना लेती हैं और अब ये ज़ॉम्बी इन्हीं के घर रहेगा। टिमी अपने फादर को ये कह रहा था कि मुझे कैच की प्रैक्टिस करवाएं, मगर उसके फादर उसको कैच की प्रैक्टिस नहीं करवाते और कहते हैं कि मुझे काम पर जाना है। अब टिमी को अकेले ही प्रैक्टिस करनी थी। टिमी का पेट यानी के ज़ॉम्बी अब टिमी के पास आता है। अब टिमी के माइंड में ये आता है कि क्यों ना वो अपने पेट के साथ खेलना ही स्टार्ट करते। उस ज़ॉम्बी के पास बॉल फेंकता है लेकिन वो कैच नहीं पकड़ता। इस बात पर टिमी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो एक जगह पर जाता है, वो देखता है कि दो बच्चे ज़ॉम्बी को परेशान कर रहे थे। टिमी उन बच्चों को जाकर रोकता है, मगर ये बच्चे तो टिमी को ही परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये उनसे भागने लगता है, मगर तभी टिमी का पेट ज़ॉम्बी इन बच्चों को आकर मारने लगता है। एक बच्चे को उठाकर जमीन पर गिराता है जिससे उस बच्चे का हाथ ही टूट जाता है। अब ये देखकर टिमी को तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि उसका पेट ज़ॉम्बी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इस बार भी बॉल को दूर फेंकता है और अपने पेट ज़ॉम्बी से कहता है कि जाओ इस बॉल को पकड़ कर लाओ। अब टिमी का पेट ज़ॉम्बी उस बॉल को लेने जाता है तो उसको पता चलता है कि ये बॉल तो एक लेडी के पास जाकर गिरा है। बॉल टेबल के नीचे था और अब ज़ॉम्बी उस बॉल को उठाने लग जाता है। अब जब वो लेडी ये देखती है तो वो डर जाती है और अपने वॉकर से ही उस ज़ॉम्बी को मारने लग जाती है। और अब वो ज़ॉम्बी को मार रही थी तो इस वजह से उसके कॉलर में जो रेड लाइट थी वो बंद हो जाती है और अब ज़ॉम्बी की अटेंशन बदल जाती है और वो उसी लेडी को खाना शुरू कर देता है। ये अपने ज़ॉम्बी को ढूंढता ढूंढता उसी लेडी के पास पहुंच जाता है जो कि ज़ॉम्बी को मार रही थी, मगर अब तो वहाँ का सीन ही अलग था। वो ज़ॉम्बी उस लेडी को नोच नोच कर खा रहा था। ये खूनखार ज़ॉम्बी टिमी की तरफ भी बढ़ता है, मगर तभी इसका कॉलर ऑन हो जाता है और वो जो बॉल उसने पकड़ी थी वो टिमी को दे देता है। टिमी ने अपने पेट ज़ॉम्बी का नाम फाइडो रखा है। ज़ॉम्बी को अपने फादर की वर्कशॉप पर लेकर जाता है ताकि उसकी बॉडी पर जो लगा हुआ खून था उसको साफ कर सके और किसी को भी इस ज़ॉम्बी पर शक न हो कि इसने किसी लेडी की जान ली है। ये ज़ॉम्बी को साफ कर देता है, तभी इसकी मदर वहाँ पर आ जाती है। फाइडो से वर्कशॉप की एक चीज गिर जाती है जिस बात पर टिमी की मदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अगर उसके हस्बैंड को ये बात पता चली कि फाइडो उसकी वर्कशॉप पर आया था तो वो तो फाइडो को दोबारा से कंपनी में वापस भेज देंगे। तभी वो लेडी जिसको ज़ॉम्बी ने मार दिया था
वो दोबारा से जिंदा हो गई है और ज़ॉम्बी बन गई है। वो लेडी जिस पार्क में थी वहीं पर एक आदमी अपने डॉग को घुमाने के लिए लाया हुआ था। वो लेडी उस आदमी पर अटैक कर देती है, तभी टिमी भी अकेला ही पार्क में आ जाता है। ये लेडी टिमी को भी देख लेती है और उस पर भी अटैक करती है, मगर टिमी बड़ी ही बहादुरी से इस लेडी का मुकाबला करता है और इसका गला काट देता है। इस लेडी को मारने के बाद अब उसे पार्क में दफना देता है। अब जब टिमी दोबारा से घर पहुंचता है तो एक अजीब सा इंसिडेंट होता है। फाइडो का कॉलर दोबारा से ऑफ हो जाता है और अब वो टिमी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है और अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है। टिमी तो बहुत ज्यादा डर जाता है, तभी इसकी हेल्प करने के लिए इसका नेबर आता है जो कि फाइडो के कॉलर को दोबारा से ऑन कर देता है और टिमी को मना करता है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए। मदर को देखते हैं जो अब ज़ॉम्बी को अपने साथ लेकर जा रही थी, इसीलिए वो ज़ॉम्बी को तैयार करती हैं और अब वो उसको एक फ्यूनरल में लेकर जाती हैं। जब ये टाउन में वापस आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज भाग चुके हैं और सभी पुलिस वाले इन ज़ॉम्बीज को मार रहे हैं। एक्चुअली में अब ये वायरस फाइडो की वजह से ही फैला था, क्योंकि उसने एक लेडी को काटा और उस लेडी ने आके एक आदमी को काटा और इस तरह से ये वायरस हर जगह पर फैल चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिमी फाइडो के साथ गाड़ी साफ कर रहा था। जब टिमी की मदर ये सब देखती है, अब जो वो ड्रिंक अपने बेटे के लिए ला रही थी वो फाइडो के लिए भी लेकर आती है। ये बात टिमी के फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। टिमी फाइडो को लेकर जंगल में जाता है। वो उन्हीं दो बच्चों को दोबारा से देखता है जो टिमी और फाइडो पर अटैक कर देते हैं। ये दोनों बच्चे वहाँ पर टिमी और फाइडो को बांध देते हैं और तभी एक बच्चा फाइडो का कॉलर ऑफ कर देता है और जैसे ही फाइडो का कॉलर बंद हो जाता है वो ज़ॉम्बी बन जाता है और अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश करता है, उन दोनों बच्चों का पीछा करता है। वो दोनों बच्चे खुद को बचाने के लिए एक कैबिन में चले जाते हैं, मगर ज़ॉम्बी तो उन दोनों बच्चों पर अटैक कर देता है। अब वो दोनों बच्चे भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। फाइडो कैबिन से बाहर आता है और अब वो टिमी की तरफ आ रहा था। टिमी को ऐसा लगता है कि शायद वो उस पर अटैक करने आ रहा है, मगर ऐसा नहीं था। वो टिमी पर अटैक नहीं करता, वो तो आकर टिमी को छुड़वा रहा था। टिमी वहाँ पर कैबिन का दरवाजा बंद करता है और कहता है कि जाओ जाकर मेरी मदर को बुला कर लाओ। जब फाइडो टिमी की मदर को लेने जाता है, उसकी मदर फाइडो के साथ आ रही थी, तभी वो रास्ते में देखती है कि उसका कॉलर तो ऑफ था। वो डर जाती है और फौरन से चिल्लाने लगती है। अब वो दो बच्चे जो ज़ॉम्बी बन गए थे वो कैबिन से बाहर आ जाते हैं और टिमी पर अटैक करने लगते हैं, मगर इससे पहले वो टिमी को मारते टिमी की मदर दोनों बच्चों को शूट कर देती है और कैबिन को भी आग लगा देती है। टिमी के पेरेंट्स जब अपने नेबर के घर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जिस लेडी की डेथ हो गई थी एक्चुअली में उस लेडी को इन्हीं के ज़ॉम्बी ने मारा था। फादर बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो ज़ॉम्बी को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और वहीं पर पार्क में ऑफिसर्स को टिमी की बॉल भी मिल जाती है। इसीलिए अगले दिन ही ज़ॉमगॉन के लोग टिमी के पेट ज़ॉम्बी को उठाकर ले जाते हैं। टिमी जब ये देखता है तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो रोने लग जाता है क्योंकि उसको अपने ज़ॉम्बी से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, टिमी को उसकी आदत हो गई थी। जब टिमी रो रहा था तो एक ऑफिसर उसके पास आता है। टिमी उस ऑफिसर से कहता है कि मेरे ज़ॉम्बी ने कुछ भी नहीं किया, तो ऑफिसर कहता है कि हाँ उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, मगर तुमने गलत किया है। अगर मैं ये चाहता तो तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर वाइल्ड जोन में भी भेज सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अब टिमी और इसकी मदर तो बहुत ज्यादा परेशान थे, मगर टिमी के फादर जो बहुत ज्यादा खुश थे। अब इस बात पर टिमी की मदर उससे कहती हैं कि वो भी ज़ॉम्बी को बहुत ज्यादा मिस करती हैं और उसे अपनी फैमिली का हिस्सा समझती हैं। टिमी को उसकी फ्रेंड सिंडी के साथ देखते हैं। ये टिमी को बताती है कि तुम्हारा ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है और कंपनी में काम कर रहा है। अब कंपनी में पहुँच कर ये लोग अपने पेट ज़ॉम्बी को बदलने के बहाने लाइन में लग जाते हैं। टिमी की मदर टिमी को रोकने के लिए कंपनी में चली जाती हैं। अब रास्ते में टिमी के फादर उसकी मदर को बता रहे थे कि उसके फादर भी ज़ॉम्बी बन चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने फादर को मारना पड़ा और यही वजह थी कि उनको ज़ॉम्बी से नफरत थी। वहाँ पर टिमी का नेबर उसके ज़ॉम्बी को वापस दिलवाने में उसकी हेल्प कर रहा था और अब वो अपने पास खड़े ज़ॉम्बी का कॉलर उतार देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी अटैक मोड में आ जाता है और वहाँ पर सब पर अटैक करने लगता है और इसी वजह से फैक्ट्री में हंगामा हो जाता है। और तभी टिमी फैक्ट्री के अंदर चला जाता है जहाँ पर फाइडो को रखा
गया था, मगर वहाँ पर नेबर की ज़ॉम्बी मारी जाती है जिससे नेबर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तभी हम देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा में पुलिस ऑफिसर टिमी को देख लेते हैं कि वो फैक्ट्री के अंदर आ चुका है और वो अपने ज़ॉम्बी को छुड़वाना चाहता है, मगर तभी वो ऑफिसर टिमी के पास आ जाते हैं और उसको फैक्ट्री से बाहर ले आते हैं और वो टिमी को बंद कर देता है। वहीं पर टिमी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जिनको फाइडो मिल जाता है। टिमी के फादर फाइडो से पूछते हैं कि उनका बेटा कहाँ पर है। तभी फाइडो उनको फेंस के पास लेकर आता है। जब टिमी के फादर ये देखते हैं कि उनका बेटा वाइल्ड जोन में है तो वो वहाँ पर ऑफिसर्स पर अटैक कर देते हैं। वो ऑफिसर से पूछते हैं कि उनके बेटे को वाइल्ड जोन में क्यों डाला गया। वहाँ पर टिमी के फादर और ऑफिसर की लड़ाई हो रही थी और अब इसी वजह से गेट में चाबी लगने की वजह से टिमी इस बात का फायदा उठाता है और गेट खोलकर बाहर आ जाता है। पर तभी वो ऑफिसर जो टिमी के फादर से लड़ रहा था उसके हाथ में मौजूद गन टिमी के फादर पर फायर कर देती है और अब एक बुलेट टिमी के फादर को लग गई थी जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। टिमी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने ज़ॉम्बी फाइडो का कॉलर ऑफ कर देता है और उसको ऑर्डर करता है कि इस ऑफिसर को मार दो और अब ज़ॉम्बी ऐसा ही करता है। और वहीं पर फेंस जो अब खुली रह गई थी सभी ज़ॉम्बीज बाहर आ गए थे, पर वहीं पर टिमी की मदर भी आ गई थी जो ज़ॉम्बीज पर अटैक करती हैं और अपने बेटे को बचाकर वहां से ले जाती हैं। अब जो ज़ॉम्बीज बाहर आ गए थे वो लोगों को काट रहे थे और जबकि टिमी अपनी मदर के साथ बाहर आ गया था और वो अपने नेबर को साथ लेकर यहाँ से चले जाते हैं। टिमी के मदर को एक बेबी होता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं और टिमी का फाइडो तो अब बॉल कैच करना भी सीख गया था और वो टिमी की प्रैक्टिस भी करवाता है। फाइडो टिमी की मदर के बेबी के साथ खेल रहा था जिसे देखकर टिमी की मदर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।